तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो गाइस, आपने तो इस टाइप का JBL का नहीं है भाई, ये लोकल है, ये और कोई कंपनी का है। गाइस आपने तो ऐसा बेस रेडिएटर आपने देखा ही होगा। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पीकर हल्का सा बेस देता है ना, तो यहाँ पे ये ऊपर नीच करता है, इसलिए गाइस जो एयर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे इधर उधर से निकलने जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस काफ़ी घटिया क्वालिटी का साउंड आ जाता है। ये बेस रेडिएटर लगाते थे तो काफ़ी मस्त क्वालिटी का साउंड आता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये लगाने से एकदम धमाकेदार बेस आ जाएगा, पर गाइस जो बेस फटता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आप इस जगह पे ये लगा दे सकते हो और काफ़ी क्लीन साउंड इससे आएगा, ठीक है ना। और जो कंपनी वाला ब्लूटूथ स्पीकर होता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड इसलिए निकालता है गाइस क्योंकि इसके अंदर बेस रेडिएटर लगा हुआ रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर इसमें आप बेस रेडिएटर लगा देंगे तो ऐसा साउंड आ जाएगा, नहीं, पर बेस रेडिएटर बेस इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए गाइस मैंने बनाया होममेड बेस रेडिएटर। आप जैसा कि देख सकते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में बन जाता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आप 10 रुपये में आराम से घर में बना सकते हैं, और गाइस इससे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। अगर गाइस आप बेस रेडिएटर ऑनलाइन खरीदने जाएंगे, मिल तो जाएगा पर इतना प्राइस रहेगा कि आप खरीद ही नहीं सकते, उसमें पूरा एक ब्लूटूथ स्पीकर आ जाएगा। इसलिए गाइस मैंने इसको हटा के ये बनाया सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। तो चलिए गाइस ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाला है, ठीक है ना। तो पहले मैंने यहाँ पर सजा के रख दिया। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन, तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये है 3 इंच स्पीकर का कोन, ठीक है ना। तो गाइस ये मैंने मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में खरीदा है। एंड गाइस और एक बात बता दूँ, यहाँ पे ये जो कोन है ना, ये मार्केट में फिलहाल आया, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मार्केट में ये कोन ना मिले, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे मार्केट में जो कोन आ रहा है फिलहाल, ये रबर का कोन भी आने लगा है, देखा ना, ये रबर का है शायद, नहीं ये फोम का है, पर 4 इंच 6 इंच और जो 8 इंच है ये सबका जो कोन मिलता है आजकल रबर में भी मिलने लगा है। शायद आपके वहाँ पे फोम का कोन मिलेगा, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आप कोन देख सकते हैं ये भाई हल्का रबर और फोम का ही लग रहा है भाई, फोम का ही है। तो गाइस यहाँ पे ये 3 इंच का है। अगर गाइस आपको 3 इंच का ना मिले, क्योंकि गाइस जहाँ पे मार्केट में मिलता है भाई, ये मेरी गारंटी है कि आपको 4 इंच 6 इंच एंड 8 इंच तो मिल ही जाएगा। और गाइस अगर आपको सपोज ये जो 3 इंच है ये नहीं मिलता, तो यहाँ पे आप 4 इंच का जो कोन है ये ले आके कट करके ऐसा छोटा बना सकते हैं। एंड गाइस बेस रेडिएटर ऐसा नहीं है कि गाइस आपको गोल ही बनाना पड़ेगा, आप कोई भी शेप का, जैसा ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल है, उस टाइप का भी आप बना सकते हैं अपने नीड के अनुसार। फिलहाल गाइस गोल टाइप का बनाना सबसे आसान है, तो इसलिए मैं गोल टाइप का ही बना के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बोल दिया, अगर आपको 3 इंच का नहीं मिलता, 4 इंच का खरीद के आप ऐसा छोटा बना सकते हैं या उसका कोना कट कट करके। और गाइस ये जो कोन है स्पीकर के ऊपर लगाते हैं, तो गाइस इसको लगाने के लिए मुझे तो दुकानदार ने बोला कि भाई डेंड्राइट का यूज़ होता है, तो ये 10 रुपये का डेंड्राइट है। और गाइस 10 रुपये का लगेगा नहीं, 1 रुपये का ही लगेगा, पर यह 10 रुपये का सबसे छोटा वाला मैंने ले लिया है। और गाइस यहाँ पे अगर आप बॉन्डटाइट का यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना, एंड डेंड्राइट से भी काम चल जाता है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद है इसके अंदर मैं इसको ब्लॉक करने के लिए मैंने एक पीस कट किया है, जो ड्रिल के ऊपर लगाते हैं ना होल सॉकेट, मैं ऊपर एक वीडियो दे रहा हूँ उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये होल सॉकेट का अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो गाइस यहाँ पे एक पीवीएस पाइप का शीट था, पीवीएस पाइप का शीट मैंने काफ़ी वीडियो में आपको दिखा दिया कि कैसे बनाना है, और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो गाइस ये जो पीस है ये मैंने सर्कल करके कट कर लिया। गाइस इसकी जगह पर आप मोटा MDF बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पर गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर गैप ना हो, एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा भारी रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा भारी, और कुछ नहीं ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके ऊपर आपको ये लगाना पड़ेगा। और गाइस आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो गैप है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे मैं ग्लूगन भर दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो इसके ऊपर लगाने के लिए हमको ये जो गैपिंग है ये फिल करना पड़ेगा। और गाइस इसको हम पूरा कट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये गाइस इसको और भी पावरफुल करने के लिए काम में आएगा, इसलिए गाइस हम इसको कोने से कट करेंगे, हल्का हल्का करके, ज़्यादा नहीं, हल्का करके।
तो गैस अब हम इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गैस अगर तब भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कट कर सकते हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैं भी यहाँ पे हल्का हल्का ज़्यादा कट कर रहा हूँ क्योंकि गैस ये इसके अंदर आराम से फिट नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ बोलो। हाँ अब हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा, तो इसके ऊपर मैं इसको चिपका दूंगा, है ना, तो यहाँ पे मैं इसको चिपका दूंगा। और गैस चिपकाने के लिए तो मैंने बोल ही दिया डेंड्राइट और क्या यूज़ करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डेंड्राइट से इसको चिपका देता हूँ। एंड गैस यहाँ पे मैं साइड से तो ये डेंड्राइट ही लगाने वाला हूँ जिससे गैस ये सील पैक हो जाए, और बीच में मैं ग्लूगन लगा दूंगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है ना, ये डेंड्राइट सूखने में कम से कम एक घंटा तो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए इतनी देर तो होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए गैस इसको यहाँ पे चिपका दूंगा। और गैस ज़्यादा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हल्का सा ही चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम सील पैक करने के लिए लगा रहे हैं जिससे गैस ये एयर पास ना हो जाए, तो इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो चलिए गैस हम इसको लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल्का सा कोई भी टेप चल जाएगा, यहाँ पे हम हल्का सा टेप ले लेंगे और इसके यहाँ पे बोला ना, तो यहाँ पे हमको फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेप लगा दिया। गैस यहाँ पे हम ग्लूगन से भर देंगे, ठीक है ना, तो चलिए गैस यहाँ पे हम ग्लूगन लगा लेते हैं, तो हो गया और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे गैस, यहाँ पे पहले एक लिया चलाएंगे ग्लू गन की, ठीक है ना, पहले मैंने एक लिया चला दिया ग्लू गन की, और इसके बाद हम फिर से और एक लिया चलाएंगे डेंड्राइट की। तो यहाँ पे मैंने डेंड्राइट अच्छे से लगा दिया और अब हम इसको सील कर देंगे, ये एक एमडी बोर्ड का टुकड़ा है, चलिए गैस इसको हम सील कर देते हैं। तो गैस देखो अगर ये बेस रेडी है और मैं आपको चेक करके दिखाने जाऊंगा, ठीक है ना, तो इसलिए पूरा सील पैक एक बॉक्स लगेगा, और आप बोलोगे इसके अंदर दिखा दो, भाई नहीं होगा क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, तो गाइस इसलिए स्पीकर बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ऊपर में मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर वो वीडियो मैं डाल लूंगा तो ऊपर में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको देख के आप एकदम लास्ट में जाओ, वहाँ पे मैं अच्छे से आपको जो बेस रेडिएटर का जो बेस का पंचिंग है ऊपर नहीं छिड़ेगा ये मैं अच्छे से नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई सील पैक बॉक्स नहीं है, और बिना सील पैक बॉक्स में ये अच्छे से काम भी नहीं करेगा, ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर करना और क्या, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।